आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट, देखिए आपके जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स आपका जनवरी फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। जब आपको मालूम होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है, आपके सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी बचा है और आपका दिसंबर समाप्त ही वाला 22 तारीख है। 22 तारीख यानी कि 8-9 दिन बाद आपका दिसंबर समाप्त हो जाएगा। हम इसकी गिनती नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसकी गिनती नहीं करते हैं। अब देखिए क्या कहेंगे हम, अभी मौका है बाबा, नहीं तो जीवन भर रहोगे ढाबा। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अभी मौका है आपका जनवरी फरवरी, आप जनवरी फरवरी में पढ़कर आप 95% कैसे लाएंगे आपको सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। और देखिए, दिन भर घूमने फ़ोन पर लगे रहने से नहीं मिलेगी सफलता, दिन भर घूमने और फ़ोन पर लगे रहने से नहीं मिलेगी सफलता, आपको क्या करना होगा आगे, आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आज हम आपको न वीडियो को लाइक करना कहेंगे, न सब्सक्राइब करना कहेंगे और न ही शेयर करना कहेंगे, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक है। आज हम कसम खाते हैं कि आपको अच्छी तरीके से हम बताकर ही जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे सफल होना है, अच्छे नंबर कैसे लाना है, ठीक है। तो देखिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो जनवरी और फरवरी मेहनत करनी होगी, उसके लिए क्या करना होगा चलिए हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए, खा लो कसम अब नहीं जाएंगे कहीं हम, खा लो कसम अब नहीं जाएंगे कहीं हम, 2 महीने बचे हैं पढ़ेंगे ठाट से हम, 2 महीने सिर्फ बचे हैं। अब देखिए यहीं आप दोहराते चलिए, सिर्फ 2 महीने हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। अब चलिए आके कैसे पढ़ते हैं इसको अभी आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, दिसंबर तो आपको चला गया, अब इसकी गिनती नहीं करते हैं, जनवरी फरवरी की बात करते हैं। देखिए, फिर आपका टाइम आएगा, आपका टाइम फिर आएगा। अब देखिए, अभी जो महीने चले गए हैं उसको आप भूल जाइए, आपका टाइम अपना लाना है कि मैं फोन चलाता होता। अगर आप देखिए पछताएंगे आगे, आप अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे पछताएंगे। क्या पछताएंगे, रिजल्ट देखकर दुखी होंगे, क्या दुखी होंगे, काश मैं फोन न चलाता होता, काश मैं न घूमता होता। आज हमारी बात को गौर करिए, अच्छी तरीके समझिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि सर जी ने आप जो आपने बताया सही चीज बताया और अच्छी तरीके समझा कर बताया। अपना टाइम टेबल, अपना टाइम लाना होगा, अब अपना टाइम लाना होगा, बहुत हो गया मजाक मस्ती, बहुत हो गई घूमना फिरना, अब सिर्फ अपना टाइम आएगा। क्या आएगा, अब सिर्फ अपना टाइम आएगा, किसी का टाइम लाने नहीं दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब सारे मंथ एक तरफ, यानी सभी महीने आपके एक तरफ और जनवरी फरवरी एक तरफ, सिर्फ हमें जनवरी और फरवरी पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, वो भी कैसे पढ़ना है चलिए आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, फिर आपका टाइम नहीं आएगा, फिर आपका टाइम नहीं आएगा, अब अपना टाइम आएगा, अब अपना टाइम आएगा। अगर खुद पर हो विश्वास तभी तो 90+ फोड़ा जा सकता है। अगर अपने आप पर खुद का विश्वास हो कि स्टूडेंट्स हम आप कर सकते हैं, हम 90%, 80%, 60% ला सकते हैं, 60% तो बहुत कम हो जाएगा स्टूडेंट, तो नॉर्मल बच्चे भी ला लेते हैं। अगर आपको 80%, 90%, 95% लाना है तो क्या करना होगा, अगर खुद पर हो विश्वास तभी तो 90+ फोड़ा जा सकता है। ये आपको बात याद रखनी होगी, हमारी बात जो भी बात हम बता रहे हैं आपको, सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं क्या और चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए, अब देखिए ये वीडियो कुछ इस तरीके से छात्र को देख रहे होंगे, देखिए जो हमारा वीडियो है ये कुछ इस तरीके से छात्र देख रहे थे, कुछ छात्र देखिए क्या है इसमें आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़े होंगे और जो पूरा पढ़ चुके हैं। हमारे ऐसे कुछ छात्र हैं जो ऑनलाइन रहते हैं और लगातार वीडियोज़ को देखते हैं, हम उनके लिए बहुत ही रेडी हैं उनके हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े वो भी देखते हैं और जो छात्र पढ़ चुके हैं वो भी देखते हैं और जो अभी शुरुआत किए हैं वो भी देखते होंगे और जो वीडियो देखने के बाद शुरुआत करेंगे, इस वीडियो को जो देखने के बाद शुरुआत करेंगे वो भी लोग हमारे वीडियोज़ को अब देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए अब सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट करो, यानी कि अपने लक्ष्य को तय करो, किसको, अपने लक्ष्य को तय करो और उसमें आपका लक्ष्य क्या है, 80% लाना, 85% लाना, 90% लाना या 95% लाना। आपको कसम खा लेना स्टूडेंट्स कि आपको 80% लाना है, 85% लाना है, 90% लाना है, 95% लाना है, इससे कम तो लाना ही नहीं है, इससे कम हम बात ही नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा ही लाएंगे, इससे कम नहीं लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, जो चैप्टर्स पढ़ लिए हों, ठीक है,
अब पढ़ने का तरीका आपको बताते हैं, जो चैप्टर्स आप पढ़ लिए हो, ठीक है, जो चैप्टर्स आप पढ़ लिए हो उसका रिवीजन कैसे करेंगे आपको बताते हैं। देखिए शॉर्ट नोट उसका बना लीजिए, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट जितना शॉर्ट नोट बना लीजिए उसका जितने उसमें डेरिवेशन है, ठीक है, जितने उसमें डेरिवेशन है आप एक चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ओम का नियम वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, अब उस फिजिक्स के चैप्टर में एक शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है, एक शॉर्ट नोट बनाइए, वो भी 3-4 पेज की एक शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। डेरिवेशन कीजिए इम्पोर्टेंट फार्मूलों का, इम्पोर्टेंट फार्मूलों का डेरिवेशन कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। उसके बाद रिएक्शन कीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का, और फार्मूला क्या करिए, हार्ड वर्क, मतलब क्या करिए इसमें, हर वीक, यानी कि हर वीक में आप रिवीजन का लक्ष्य रखिए कि जितना हम एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसका हम रिवीजन, सारा रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके का बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं करोगे तो भूलते जाओगे, अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप भूलते चले जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, भूलते चले जाएंगे, जो आप पढ़ जाएंगे वह भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। पता कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है, पता कर लो कि सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, कि सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ पूछा जाता है। लास्ट में आपको पूरा टाइम टेबल बताएंगे, आपको करना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके अंदर जोश भर जाएगी, आज आग लग जाएगी पढ़ने की, और अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो के बाद आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप अपने से ही कॉपी को पेन कर उठाकर अच्छे से पढ़ने लगेंगे। और हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं वो जाकर सारी वीडियोज़ को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं कहेंगे, आपके जो मन में आएगा आप वो करिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। आप वीडियो देखने के बाद जो मन हो वो करिएगा, अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, पता कर लो कि सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसका डेरिवेशन कर लेना है, उसका थ्योरम पढ़ लेना है, रिएक्शन कर लेना है, न्यूमेरिकल कर लेना है, फार्मूला कर लेना है। इतनी चीज़ें आपको करनी होगी, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं उन सब चीज़ों का यहाँ से आप कर लेना है, ठीक है। 10 और 12 के सभी स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स के आप आते हैं, कोई भी आपका मॉडल पेपर होगा लॉन्ग प्रश्न आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, लॉन्ग प्रश्न हर साल बदलते नहीं, जो हमारे लॉन्ग प्रश्न है वो हर साल बदलते नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, लगभग आपके सेम ही रहेंगे, 100% 90% आपको वो प्रश्न सेम ही मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जिस अध्याय से प्रश्न आते हैं उसे अपने शब्दों में लिखकर याद करें, जिस अध्याय से ज्यादा प्रश्न आप आ रहे हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने शब्दों में लिखिए, न कि किताबी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में लिखिए और अच्छी तरीके से उसको याद करिए, या तो अपने शब्दों में अपने माइंड से लिखने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। बस आपको हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। अब देखिए 3 ईयर्स के पेपर आपको पूरा रट देना है, पढ़ देना है, आपको 70% नंबर वहीं से मिलने वाले हैं। कितने परसेंट, 70% आप क्वेश्चंस उसी से फंस जाएंगे, 3 साल के पिछले पेपर्स आपको पढ़ लेने हैं स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज। अब देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क हमको दोनों करना है, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं, हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना होगा। देखिए मॉडल पेपर जारी हो गया है, सबसे पहली बात आप जान लीजिए मॉडल पेपर जो हमारा जारी हो गया है, पेपर कैसा आएगा इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी उस मॉडल पेपर को देखने के बाद। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जा करके जो मॉडल पेपर्स हैं उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ पर आप लोग जा करके उन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि सर हाँ इतने यहाँ से आ रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी करो, जितने प्रश्न आपके आ रहे हैं उसी हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा उसी के हिसाब से बनने वाली है। अब देखिए किस लेसन में न्यूमेरिकल है, लॉन्ग प्रश्न है, उसी हिसाब से प्लान करो। जैसे कि आप किस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, किस चैप्टर में ज्यादा थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए टाइप्स, आप क्वेश्चन की बात करते हैं, आप क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, अति लघुतरी प्रश्न आते हैं, और
दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना इन प्रश्नों का, इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये आपको 100% पूरी तैयारी कर लेनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कसर ना छूटे। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी आज। ये देखिए ये पढ़ाई तभी हो सकती है, हमारी जो पढ़ाई है इतनी अच्छी तरीके से कब हो सकती है इसको भी आपको बताएंगे, आपके अंदर आग लग जाएगी, ठीक है। ये भी इंस्टा फेसबुक का सही यूज़ करें वरना ना ही करें, अगर आपके लिए ज़रूरी हो तभी करें वरना ना ही करें। ये भी इंस्टा व्हाट्सएप, ठीक है, यह सब बेकार की चीज़ें, अगर आपको ज़रूरी चीज़ें उसमें कुछ है तभी आप यूज करें, अन्यथा ना करें, बिल्कुल भी ना करें किसी चैटिंग करने के लिए उसका, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पढ़ाई की मटेरियल्स मिल जाएगी। सिर्फ दो महीने बचे हैं आपके, ठीक है। गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, दोस्ती, ये सब भूल जाइए। बहुत से बच्चे अभी हैं क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में फंसे हुए हैं और दोस्ती करने में फंसे हुए हैं। देखिए ये दो महीना जान लगा दो स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ये दो महीना जान लगा के पढ़ो। किससे जान लगा के पढ़ो, हम जान लगा देंगे स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, दो महीने में आपको इतनी ज़्यादा वीडियो दे देंगे आपकी सारी तैयारी हो जाएगी और सारे मॉडल पेपर्स को आपको अच्छी तरीके से तैयार कराया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें, आपका जो टाइम टेबल का प्लान है वो भी आ चुका है स्टूडेंट्स आपके सामने। कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें, क्या करना है, सबसे पहले बात करेंगे 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना होगा, 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है, जान से स्कूल या कोचिंग जाने से ज्यादा फायदा हो रहा हो तो जाओ, अन्यथा क्विट करो। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप खुद की सेल्फ स्टडी करिए, कितना सेल्फ स्टडी करिए, 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप ये वादा करते हैं तो एसकेएम स्टडी से जुड़िए, और एसकेएम स्टडी आपको भरोसा देता है कि आपकी पूरी तैयारी करवाएगा और अच्छी तरीके से करवाएगा, सारी गारंटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, अगर आपको अच्छी लगी होगी तभी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट में जाते जाते यह कहेंगे आप वादा कर लिए तो आपके लिए एक गाना हमेशा याद रखना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ये गाना अपने मन में याद रखिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।